नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। जो लोग भी राशन लेते हैं, ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐप है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, और उस ऐप का नाम है मेरा राशन कार्ड। जी हाँ, ये ऐप इतनी सुविधा प्रदान करता है उन सभी लोगों को जो देश में राशन ले रहे हैं आज। और अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए काम का ना हो, क्योंकि आप राशन नहीं लेते, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर साझा कीजिएगा जो राशन लेता है, उसके बहुत काम का हो सकता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको इस ऐप में। कैसे आप मेरा राशन कार्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं? आप गूगल प्ले स्टोर में गए और आपने डाला मेरा राशन कार्ड, तो यह ऐप आ गया। अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने, इसमें बहुत आसान है, बहुत सरलता से हो जाएगा ये। इंस्टॉल होने के बाद अब आप जब इस ऐप को खोलेंगे तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पूछेगा, उसके बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों के लिए जो राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें सारी जानकारी ले सकते हैं कि इनको कितना राशन मिलना है, इनके घर के आसपास कौन सी दुकान है जहाँ से राशन ले सकते हैं। अगर ये किसी और प्रदेश में चले जाते हैं तो भी राशन इनको वहाँ पर मिल जाएगा, और अगर इनके परिवार के सदस्य अलग अलग जगह रह रहे हैं तो अलग अलग व्यक्ति भी अपने हिसाब से राशन ले सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाभ क्या मिलता है, किस तरह का। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड नंबर डालेंगे या आधार नंबर। तो अब जैसे राशन कार्ड नंबर हमने डाला, और डालने के बाद इसको जब सबमिट किया तो ये देखिए डिटेल आ गई कि जो इनको कितना राशन मिलना है, तो ये वीट और चावल दोनों आ गया। अगर हम बात करेंगे कि आसपास की दुकान ढूंढनी है, तो आप अपनी लोकेशन को ऐप को यूज़ रखिएगा वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो अब आप जब लोकेशन को करेंगे, नज़दीक की लोकेशन इसने दिखा दी कि आपके नज़दीक जो है घर के कहां कहां से आप राशन ले सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो यहां पर भी आपको अपना राशन कार्ड सबमिट करना है। और आपने राशन कार्ड जब डाला, अपना नंबर सबमिट किया, तो ये आपको देखिए आ गया कि इस राशन कार्ड में कौन कौन से मेम्बर हैं। अब अगर आपको इसमें से कोई मेंबर एक जगह से, जो वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, वहाँ से किसी और जगह चला जाता है, तो आप यहाँ देखिए नीचे देख रखा है कि आप माइग्रेशन का विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, और ऊपर से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा व्यक्ति है जिसको एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, और कितने समय वहाँ रहेंगे। ये सब डिटेल्स हैं, जो बेसिक डिटेल्स हैं आपको भरनी है। और उसको भरने के बाद जैसे अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जिस शहर में जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ का आ जाएगा, उसका ज़िला आ जाएगा, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डिटेल भर के सबमिट करेंगे तो ये वहाँ से आप राशन ले सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार जैसे पहले होता था कि आप राशन की दुकान पे गए और पता चला, आप राशन बोल दिया कि जी आपका राशन तो चला गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आप इस पे जाइए, यहाँ पर अपना राशन कार्ड का नंबर जब आप लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे, तो जितना आपने राशन लिया है वो यहाँ पर वो आपको दिखा देगा, नाम भी दिखा देगा किसने लिया और क्या क्या लिया, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा और कब लिया। और ये आधार सीडिंग है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इसके आपको आधार को लिंक करना ज़रूरी होता है, ताकि आपके पास जो है इसमें बेनिफिट्स आ सकते हैं। और ये यहाँ पर आप अपना जो है राशन कार्ड नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका जो है आधार सीडिंग सबका यस आ रहा है सदस्यों का। ये जो प्रतिक्रिया है, इसमें आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसमें अगेन सेम प्रोसेस है, आप अंदर जाएंगे और अपना राशन कार्ड नंबर डाल के आप अपनी चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप भाषा बदलना चाहते हैं तो ये पे आप क्लिक करेंगे, और ये आपकी कोई भी लैंग्वेज जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर जैसे मान लीजिए अब इंग्लिश किया तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये जानकारी, ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग राशन लेते हैं, और इससे उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सुविधाजनक हो जाती हैं, और उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कितना राशन लिया, कितना बचा हुआ है, कहीं और जाना है तो कैसे करना है। ये ऐप उस तरह से देखें तो बहुत सुविधाजनक है। तो आपने सुना किस तरह से ये ऐप जीवन को बहुत आसान बना देता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको और भी अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा, और इस तरह की जानकारी के लिए और भी अवेयरनेस के कार्यक्रमों के लिए रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।